नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस टाटा पंच सीएनजी के बारे में। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका एकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स अब यहाँ पर मिलने वाले हैं इस न्यू टाटा पंच के अंदर, क्योंकि कुछ टाइम पहले टाटा मोटर्स ने ना कुछ एक चेंजेस किए थे, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके वेरिएंट से। यहाँ पे टोटल आपको 5 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो स्टार्टिंग रहेगा इसका प्योर, उस पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। देन एडवेंचर, थर्ड आ जाएगा एडवेंचर रिदम, फिर आ जाता है ये एकम्प्लिश्ड, और टॉप वेरिएंट आ जाएगा एकम्प्लिश्ड डेजल एस। कलर्स की बात करें तो जैसे जो रेगुलर पेट्रोल के साथ आपको कलर ऑप्शन मिलते हैं, वो सेम यहाँ पे सीएनजी के साथ देखने को मिलेंगे। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वाइट, इसके अलावा आपको ग्रे, ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट और ब्राउन, तो ये 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेट्रो मोटर्स करनाल को, और जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो आइए आप कर लेते हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड इस एकम्प्लिश्ड वेरियंट का। तो शुरुआत कार की की से करते हैं, तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर मिलेगी, इधर की तरफ टाटा का लोगो, और इस तरफ जब आप देखते हैं तो लॉक अनलॉक फॉलो मी लाइट्स और बूट अनलॉक के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह की दो कीज़ जो हैं आपको दे दी गई है। और जब फ्रंट से आप इस गाड़ी को देखते हैं तो इसकी विड्थ अच्छी खासी रखी गई है, 1742 mm आपको इस कार की विड्थ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का लोगो आपको दिखाई देगा, और ये जो ग्रिल है ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको दी गई है। ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको क्रोम फिनिश दिखाई देगी, जो उस फेंडर से स्टार्ट होकर कंप्लीट फॉलो करती हुई उस फेंडर तक चली जाएगी, जो इसके लुक्स को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाती है। और इस पार्ट को जब आप देखते हैं तो टॉप वेरिएंट के अंदर तो ये आपको LED मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ये रेगुलर ये जो बल्ब्स हैं आपको हलोजन बल्ब्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं। उसके बाद जब नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी हेडलैम्प यूनिट, रेगुलर आपको ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हलोजन हेडलैम्प्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। अंदर की तरफ ट्राई एरो पैटर्न भी आपको दिखाई देगा, ओवरऑल इनका जो थ्रो वगैरह है वो अच्छा रखा गया है। साइड में आपको यहाँ पे एयर कर्टन्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से एयर फ्लो जो है वो होता है। और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स जो हैं वो भी इस वेरिएंट के अंदर ऑफर कर दिए गए हैं, हलोजन फॉग लैंप्स आपको मिलेंगे। और लोअर जो पार्ट है इस बम्पर का, तो ये आपको कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिखाई देगा, और यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। चिन गार्ड जो है उसको भी ब्लैक रखा गया है। ओवरऑल स्पेस जो है यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो एयर फ्लो जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होने वाला है। उसके बाद इंजन हुड भी जब आप देखते हैं तो इसका ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे फ्लैट रखा गया है। सो जब आप साइड से इसको देखते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो कार है एक सब कॉम्पैक्ट SUV है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है 3827 mm। और इसका टायर साइज़ एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, तो जब टायर साइज़ आप इसका यहाँ पे देखते हैं तो ये 15 इंचेस का स्टील रिम आपको मिल जाएगा, और देखने में आपको ये अलॉय की फील देगा, लेकिन ये जो है एक्चुअल में व्हील कवर है, और इसका जो स्टील रिम है उसकी कटिंग इस तरह से की गई है कि आपको ये अलॉय की फील यहाँ पे देता है, तो हाइपर स्टाइल व्हील्स इनको बोलते हैं। और जो टायर प्रोफाइल है 185/70 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे और रियर में ड्रम ब्रेक्स आपको ऑफर किए गए हैं। ऑल अराउंड आपको ये जो ब्लैक स्कर्टिंग्स है ये देखने को मिल जाएंगी, और इस साइड पार्ट पे जो ये ब्लैक स्कर्टिंग का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डोर्स पे भी आपको ये ब्लैक स्कर्टिंग देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 187 mm की यहाँ पर ऑफर की गई है। ORVMs जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, फोल्ड आप इनको मैनुअली कर पाएंगे यहाँ से। बॉडी कलर आपको मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे ब्लिंकर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बी पिलर पे ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है, और सी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी। विंडो ग्लासेस का साइज़ आप देख सकते हैं कि साइज़ जो है वो अच्छा रखा गया है, और हैंडल्स जो हैं वो बॉडी कलर्ड आपको मिलते हैं। और जब आप इनको ओपन करते हैं तो ओपनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, इनके डोर्स की जो ओपनिंग है वो 90 डिग्री ओपन रहते हैं, तो इजी आप अंदर एंटर कर पाएंगे और एग्ज़िट कर पाएंगे, तो ओपनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद जब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 37 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर किया गया है। टेल लाइट्स को भी यहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पे आपको ये टाटा का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। रियर से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इसका रियर लुक जो है वो देखने को मिलता है। ये आपको यहाँ पे टेल लाइट्स जो हैं LED ऑफर की गई हैं ट्राई एरो पैटर्न के साथ में। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलर एंटीना आपको मिलता है। देन आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर का ऑप्शन नहीं दिया गया है।
टेल लाइट्स मैंने आपको दिखाया कि LEDs आपको मिलती हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, बैक लाइट आपको यहीं पे दी गई है। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा लगता है, इधर की तरफ टाटा का लोगो, और ये आपको रियर कैमरा जो है इस वेरिएंट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे पंच का बैज और इधर की तरफ ICNG का बैज, ये जब आप देखते हैं तो ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं जो दोनों तरफ ऑफर किए गए हैं। ट्राई एरो पैटर्न का यूजर्स भी दिखाई देगा। रियर जो पार्ट है इसका भी अच्छा खासा जो हिस्सा है वो मैट ब्लैक आपको मिलता है। दो सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं, और जो स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, बूट एक्सेस करना है। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जैसे ये CNG है तो आपको जो यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है 210 लीटर्स का बूट स्पेस आपको दिया गया है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, तो दो सिलेंडर्स आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं, और इनको जब आप अगर आप इनको बंद करना चाहें वॉल्व को, तो यहाँ से जो है आप बंद कर पाएंगे, आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ से आप इसको वॉल्व को जो है वो शट ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से अंदर की तरफ से आप जो स्पेयर व्हील है नीचे से एक्सेस कर पाएंगे। और ये आपको यहाँ पे बूट लैम्प मिल जाएगा, ये हुक मिलता है 1 kg का, कुछ भी आप यहाँ पे हैंग करना चाहे एक हुक इस तरफ आपको मिलेगा। तो CNG के साथ भाई आपको स्पेस जो है वो अच्छा यहाँ पे मिलता है, काफ़ी अच्छे से आप इसको यूटिलाइज जो है वो कर पाएंगे। पार्शियल सेल्फ आपको दे दी गई है। रियर सीट जो है उसको आप फोल्ड करना चाहें तो 100% फोल्ड आप यहाँ पे कर पाएंगे। क्लोज़ करने के लिए आपको प्रॉपर हैंडल दिया गया है, इसे ग्रैब करके आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पे जो है ले चलता हूं, और सामने वाली जो सीट्स है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है, लेकिन एक बार डोर ट्रिम आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आपको ड्यूल टोन के साथ मिलेंगी। इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का जो है यूज़ किया गया है, हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको दिखाई देगा, कहीं पर भी सॉफ्ट जो है वो नहीं मिलने वाला है। बोतल होल्डर आपको दे दिया गया है। अब एक बार अंदर का कंफर्ट भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सामने वाली जो सीट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो व्हील बेस जो आपको स्पेस है वो अच्छा मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2445 mm यहाँ पे आपको दिया गया है। थाई स्पोर्ट भी आपको प्रॉपर मिलता है, तो किसी तरह की दिक्कत जो है वो आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद रिक्लाइन एंगल जब आप देखते हैं तो रिक्लाइन एंगल भी ठीक है, ऊपर की तरफ हेडरूम जो है वो भी आपको यहाँ पे ठीक मिलने वाला है। उसके बाद दो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो फिक्स्ड हैं, उनको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर की तरफ आपको एक हैंडल जो है ये दे दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। सामने वाले हेडरेस्ट जो है वो भी एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलते हैं। सीट बेल्ट जो है वो फिक्स रखी गई है, तो आप इसको जो है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, और ड्राइवर्स डोर पे आपको एक्सेस बटन मिल जाएगा, तो यहाँ से लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। और जैसे ही ड्राइवर ट्रिम आप ओपन करते हैं तो आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर विंडो 1 टच डाउन रहने वाली है। मिरर्स की एडजस्टमेंट के कंट्रोल आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको स्पेस मिल जाएगा, बोतल वगैरह रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए मिलती है। अब एक बार सीट्स का फैब्रिक भी आप देख लीजिए, तो कुछ इस तरह की फैब्रिक सीट आपको मिलती है। ओवरऑल जो क्वालिटी है वो ठीक रखी गई है। ट्राई एरो पैटर्न का यूजेज आपको दिखाई देगा। ड्राइवर सीट जो है वो 6-way एडजस्टमेंट के साथ है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब एक बार देख लेते हैं इस कार के इंटीरियर्स। जो इंटीरियर हैं कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। एक बार इग्निशन ऑन कर देता हूँ, लेकिन एक बार इधर के कंट्रोल्स भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, यहाँ पे फ्रंट फॉग लैंप्स के लिए, लॉक अनलॉक के लिए, और CNG और पेट्रोल पे यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दिया गया है, और स्पेस जो है वो अच्छा खासा है, तो आप इसको प्रॉपरली जो यहाँ है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार ऑन कर देता हूँ मैं। अभी ये स्टार्ट हो गई है, तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे एक क्लस्टर दिखाई देगा। सबसे पहले क्लस्टर आप देखिए, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अभी CNG मोड पे है, AC में ऑन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको दिया गया है। इधर की तरफ आपको RPM मीटर दिखाएगा, बिल्कुल सेंटर में आपको स्पीड दिखाएगा। अभी जैसे बूट ओपन है तो वो भी आपको दिखा रहा है। इधर ऊपर की तरफ CNG का गेज और नीचे की तरफ पेट्रोल का गेज, तो सारी इन्फॉर्मेशन सामने की तरफ आपको ये शो करने वाला है। स्टेयरिंग जब आप देखते हैं तो डी कट आपको स्टेयरिंग मिलेगा। इधर की तरफ आपको मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद जब आप इन AC वेंट्स को देखते हैं ना, तो थोड़ा इनको इस तरह से टिल्ट किया गया है कि इसको टिल्ट किया गया थोड़ा ड्राइवर साइड, और उस वाले को टिल्ट किया
थोड़ा इधर की तरफ को ड्राइवर साइड, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सेंटर में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंचेस का हरमन का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है आपको एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपके एसी वेंट्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिलती है ये मैनुअल एसी की यूनिट, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है, तो ऐसा फील होगा कि ये ऑटो एसी यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ए टाइप और एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट। स्पेस दिया गया है, कुछ रखना चाहें तो मोबाइल वगैरह रख पाएंगे। सीएनजी जो है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे भी आपको एक जो है यूएसबी ए पोर्ट जो है ऑफर कर दिया गया है। ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी, 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। और अब क्या हुआ कि फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट मिलते हैं, मतलब ड्राइवर के लिए ये अलग से आर्मरेस्ट, और इधर की तरफ आपको को ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट। तो ये काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर इसकी विड्थ और इंक्रीज़ कर दी जाती तो और ज़्यादा ये कम्फर्टेबल जो है हो सकते थे। ओवरऑल जो डैशबोर्ड है आपको फिट एंड फिनिश ठीक यहाँ पर लगेगी इस गाड़ी के अंदर। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रखी गई है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको मिलने वाला है। ये जो है वाइट शेड का यूज़ किया गया है और ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस भी आपको दिया गया है। ये जो है रेगुलर ब्लैक कलर आपको मिलेगा। ग्लोबॉक्स का स्पेस जो है वो आपको अच्छा मिलता है, साथ में आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है। ऊपर की तरफ अलग से आपको यहाँ पे टैबलेट होल्डर मिलता है और एक लाइट भी आपको यहाँ पे दे दी गई है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, और ये आपको मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे IRVM मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे लाइट दे दी गई है। सो ये कुछ थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात कर लेते हैं इस कार के इंजन के बारे में, सेफ्टी के बारे में और प्राइजेस के बारे में। सो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि टाटा पंच को ग्लोबल एनकैप के अंदर 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो उसी सेम प्लेटफॉर्म पे इस सीएनजी कार को बनाया गया है। तो यहाँ पे एडिशनल जैसे आपको सीएनजी मिलती है तो उसी के लिए कुछ एक फ़ीचर्स जो हैं एक्स्ट्रा आपको दिए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पे माइक्रो स्विच दिया गया है, लीक डिटेक्शन फीचर दिया गया है, थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन, तो ये एक्स्ट्रा आपकी सेफ्टी को हेल्प करते हैं यहाँ पे सीएनजी के साथ में। उसके अलावा आपको 2 एयरबैग्स, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड, ABS ब्रेक्स विद EBD ब्रेक्स वे, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो पंच जो है आपको पेट्रोल और बायोफ्यूल ऑप्शन के साथ में मिलती है। तो इंजन यहाँ पे जो आपको मिलेगा 1.2 लीटर्स का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो एक 3 सिलेंडर इंजन है, जिसको आप सीएनजी के अंदर जब ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पावर निकल के आएगी 73.5 PS की, और जब पेट्रोल के अंदर आप ड्राइव करेंगे तो 88 PS की। और जो टॉर्क है वो भी वेरी करता है, जब आप इसको सीएनजी के साथ ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे जो टॉर्क निकल के आएगा 103 Nm का, और जब आप इसको पेट्रोल के साथ ड्राइव करेंगे तो टॉर्क निकल के आएगा 115 Nm का। सीएनजी के साथ सिर्फ आपको जो है मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और जब आप पेट्रोल कंसीडर करते हैं तो वहाँ AMT का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। आप बात कर लें इसके वारंटी की, तो 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो वो भी आप एक्सटेंड करा पाएंगे। आप बात कर लेते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। तो जो सभी वेरिएंट के प्राइजेस हैं सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसका एकम्प्लिश्ड वेरिएंट है। तो अगर आप इसको परचेज करते हैं तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है 8,84,900 रुपीज़, और जितने भी प्राइजेस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा पंच सीएनजी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।